students, how are you all? I am Kavita Gerola and today we are going to learn GK of class UKG. Our today's topic is games that we play and next topic is sports objects. First topic games that we play means जो खेल हम खेलते हैं. Sports objects यानी इन खेलों को खेलने के लिए यूज में लाए जाने वाले सामान. गेम्स दैट वी प्ले मीन्स क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब गेम हम खेलते हैं. गेम्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंडोर गेम्स एंड नेक्स्ट इज आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स क्या होते हैं? गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. यानी जो खेल हम अपने घर में बैठ के खेल सकते हैं उनको बोला जाता है इंडोर गेम्स. जैसे आप लोग घर में बैठ के लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, जो भी गेम आप अपने घर में बैठ के आराम से खेल सकते हैं उनको इंडोर गेम्स बोला जाता है. और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो गेम्स घर में या ऐसी कम जगह पे नहीं खेला जाता है वो उनको बोला जाता है आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन एक्सेट्रा. इनके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए और इसमें खेलने वाले खिलाड़ी भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं. तो गेम्स दो टाइप्स के होते हैं, इंडोर और आउटडोर. इंडोर जिनको आप घर में बैठ के खेल सकते हैं और आउटडोर जिनको आप बाहर खुले जगह पे खेलते हैं. अब स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट क्या है? जो सामान खेल में यूज में लाए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, बैट बॉल, फुटबॉल, डाइस, ये सब क्या है? स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड लिसन केयरफुली. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टॉपिक्स फ्रॉम द बुक. सो डियर स्टूडेंट, ओपन योर बुक पेज नंबर 22 and the chapter number is 18. Name of the chapter is games that we play. Means जो खेल हम खेलते हैं, खेल हमें क्यों खेलने चाहिए? ताकि हमारी एक्सरसाइज होती रहे. ओके, गेम्स दो टाइप्स के होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो हम अपने घर में आराम से बैठ के खेल सकते हैं. और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो फील्ड में खेले जाते हैं, जिनके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है. तो यहाँ पर कुछ गेम्स दिखाए गए हैं जिनमें आपने बताना है कि वो इंडोर गेम्स है या आउटडोर गेम्स है. दो सो फर्स्ट पिक्चर इज हॉकी. हॉकी है, इसमें आपको क्या बताना है कि ये आउटडोर है या इंडोर है. तो हॉकी फील्ड में खेला जाता है, उसमें प्लेयर्स भी ज्यादा होते हैं, तो वो कौन सा गेम हुआ? आउटडोर गेम्स. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओ. फुटबॉल है, फुटबॉल भी आउटडोर गेम है क्योंकि उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, तो वो भी फील्ड में खेला जाता है, वहां पर भी आप लिखेंगे ओ. क्रिकेट है, क्रिकेट आउटडोर गेम्स है, यहां पर आप लिखेंगे ओ. कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड को आप आराम से एक जगह बैठ के खेल सकते हैं, उसमें आपको फील्ड की जरूरत नहीं होती है, स्पेस की जरूरत नहीं होती है और प्लेयर्स भी उसमें कम होते हैं, तो यहां लिखेंगे आप आई. नेक्स्ट बैडमिंटन. बैडमिंटन भी आउटडोर गेम है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे ओ. चेस. चेस को भी आराम से बैठ के खेला जा सकता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई. ओके, आपने यहाँ पे लिखना है कि वो आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सन एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पर आपको कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर दी गई है जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है एंड उनके नाम लिखने हैं. फर्स्ट है, फर्स्ट पिक्चर इज विराट कोहली. यानी ये जो पिक्चर है विराट कोहली की है, जो क्या है? क्रिकेट प्लेयर है. नेक्स्ट इज मैरी कॉम. यहाँ पे आप लिखेंगे मैरी कॉम. नेक्स्ट पिक्चर है सानिया मिर्जा, तो आप यहाँ लिखेंगे सानिया मिर्जा. नेक्स्ट पिक्चर इज साइना नेहवाल, यहाँ पर आप लिखेंगे साइना नेहवाल. साक्षी मलिक, जो फिफ्थ पिक्चर है वो किसकी है? साक्षी मलिक की, तो आप यहाँ लिखेंगे साक्षी मलिक. एंड द लास्ट पिक्चर इज
सचिन तेंदुलकर, जो लास्ट पिक्चर है वो किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नाम लिखने हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स, यानी इन गेमों को खेलने में जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है इस चैप्टर में वही सब है। इसमें भी क्या है, आपको पिक्चर्स दी गई हैं और आपने उनको आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है। फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर किसकी है? बैट की है, जिसको क्रिकेट में यूज किया जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे बैट। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? बॉल की, इसको भी क्रिकेट में यूज में लाया जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे बॉल। ये क्या है? रैकेट। रैकेट को किस लिए यूज किया जाता है? बैडमिंटन खेलने के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे रैकेट। नेक्स्ट पिक्चर इज फुटबॉल, यहां पर आप क्या लिखेंगे? फुटबॉल। दिस इज डाइस, डाइस का यूज कहाँ किया जाता है? लूडो में खेलने के लिए, ठीक है, डाइस का यूज लूडो में खेलने के लिए किया जाता है। एंड द लास्ट पिक्चर इज, ये पिक्चर किसकी है? बैडमिंटन में खेलने के लिए यूज में लाए जाने वाला ऑब्जेक्ट है, जिसको बोला जाता है शटल कॉक। इसको बोला जाता है शटल कॉक। तो आप इनको अपनी बुक में ऐसे ही नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे और इनको याद भी करेंगे कि कौन से इंडोर गेम्स हैं, कौन से आउटडोर गेम्स हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स गेम को खेलने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इनको लर्न करना है, प्लस इनको अपनी बुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। अब आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, जिसमें आपको नोटबुक में वर्क करने के लिए दिया जाएगा, उसको भी आपने गुड हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है एंड उसको साथ साथ लर्न भी करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।